घर में लैंगिक कठोरता बढ़ाने के कौन से उपचार है, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं कि भाई वो वायग्रा नहीं होना, ना टड़ाला फील होना, उससे बहुत दर्द होता है, हाथों पैर में दर्द होता है, फिर एक्साइटमेंट होता है, नींद नहीं आती है, सर दर्द होता है, तो वो इफेक्ट के लिए हमको घरेलू उपचार बताओ। तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ घरेलू उपचार क्या है कि जिससे आपको इरेक्शन अच्छा आ सकता है। नंबर एक, अपने पार्टनर से खुली बात करो, आपका टेंशन कम हो जाएगा और आपका इरेक्शन एकदम ही ठीक हो जाएगा। जितना आप छुपाते हो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ते रहता है। खुली बात करो और उसको पार्टनर को बोलो कि मेरा इरेक्शन वीक है या जल्दी गिर जाता है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वो जरूर डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी। तो ओपन कम्युनिकेशन विद पार्टनर, नंबर एक। नंबर दो, बेडरूम में कुछ नया करो, नई जगह पे सेक्स करो, नए कमरे में सेक्स करो, बेड बदलो, चद्दर बदलो, कपड़े अलग पहन के बेड पर जाओ, पोजीशंस अलग अलग करो, मतलब जो भी नया कर सकते हैं बेडरूम में वो करो। बेडरूम साफ सुथरी होनी चाहिए, जो चद्दर है वो एकदम फ्रेश नई है, उसमें रूम फ्रेशनर डालो, मतलब उसमें रूम में अच्छा सुगंध आ जाएगा, ऐसा मतलब दोनों स्नान करके जाते हैं, ऐसा कुछ भी नया करते जाओ। नंबर तीन, बहुत ज़्यादा फल और सलाद खाने में रहना जरूरी है। तो आप खाते हैं तो उससे भी बहुत आप फिट रहेंगे, और सलाद आप खाते हैं और फल खाते हैं तो उसमें बहुत सारे एफ्रोडाइजियाक रहते हैं, तो वो खाने का है। नंबर चार, फ्राइड मतलब तली हुई चीज या जंक फूड जो है, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो है, ये आपको अवॉइड करना होगा। नंबर पाँच, रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। फिटनेस आपको तभी आएगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स की लेवल बढ़ जाती है, हॉर्मोन्स जो है वो संतुलित हो जाते हैं, उससे सेक्स में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर छः, अल्कोहल का सेवन टालना है। जितना ज़्यादा आप अल्कोहल बढ़ाएंगे या लेंगे उतना ज़्यादा सेक्स के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होगा। अल्कोहल इंक्रीजेज द डिज़ायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, ऐसा बोला जाता है, तो शराब टालना है। नंबर सात, आप कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी आप पीते तो कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा एफ्रोडाइजियाक रहते हैं, और कॉफ़ी जितना ज़्यादा पियेंगे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कॉफ़ी से एडिक्शन होता है, बहुत लोग एडिक्ट है कॉफ़ी को। तो इतना भी नहीं होना कि कॉफ़ी से आपको लत लग गई है, पर कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा सेक्स में इंटरेस्ट आता है। नंबर आठ, 7 से 8 घंटे की नींद होना जरूरी है। जिस दिन आपकी नींद कम हो गई ना, सेक्स ही नहीं करना है दूसरे दिन, पहले नींद लेना जरूरी है। नींद आप लेते हैं तो आपको बहुत फ्रेश लगेगा, और नींद जो है उससे सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ता है। नंबर नौ, स्ट्रेस रिडक्शन, तनाव मुक्त होना। तनाव मुक्त होना, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, चिंता, घबराहट, डिप्रेशन, दिमाग पूरा भरा हुआ है तनाव से, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पति पत्नी का न पटना, बच्चों का एजुकेशन का स्ट्रेस, खुद का एजुकेशन का स्ट्रेस, मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करो, उसमें सेक्स नहीं होगा। तो तनाव मुक्त कैसे रहना, उसके लिए काउंसलिंग आप कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की कार्यशाला कर सकते हैं, और अपना जो है सेक्स पावर बढ़ा सकते हैं। नंबर 10, वेट लॉस। ओबेस लोग जो रहते हैं ना, मोटापा, उनको सेक्स का प्रॉब्लम होता है। एक तो क्या होता है कि लिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट होने से भी प्रॉब्लम आता है, उनको हलचल करने में प्रॉब्लम आती है, बेड पर सेक्स करने में प्रॉब्लम आती है, तो वेट लॉस करना जरूरी है। नंबर 11, सिगरेट स्मोकिंग करना और तंबाकू का सेवन करना, उसमें एथ्रोसिरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और उससे सेक्स में प्रॉब्लम होता है, तो आपने सिगरेट और तंबाकू बंद करना चाहिए। जो नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, नेचुरल जो है, जैसे सफ़ेद मुसली है, अश्वगंधा है, तो ये आप लेते हैं, अदरक है, सौंफ है, तो ये यदि आप लेते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आप इसका मिश्रण करके, वो आप घरेलू उपचार करके आप ले सकते हैं कि जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये 12 चीज़ें आप करते हैं तो डेफिनेटली आपके इरेक्शन में फ़ायदा होगा और आप एक अच्छा सुखी वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, आपके लोगों को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है,
वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।